बर्नौली, बर्नौली से। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि अपना प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, ऐसे ही डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बर्नौली पे टेक केयर करती हैं, ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से होती हैं। फेयर इनफ, बर्नौली से पहली चीज, हमारे सिलेबस में जो भी सवाल आएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो आएंगे बर्नौली के एप्लीकेशन पे। ये थ्योरम है, इसको अप्लाई करो, आंसर पाओ, अपने को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थ्योरम है, इसको अप्लाई करो, आंसर पाओ। एक्चुअली मैं बताऊं, फ्लूइड में जितने सवाल बनते हैं 99% सवाल दो इक्वेशन से के कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो गड़बड़ी थी, a1 b1 equal to a2 b2, और दूसरी है ये बर्नौली, ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल इनसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट अपन ना बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और तो कई बैचेस में मैं इसको ऑमिट भी कर देता हूँ कि भाई अपने को सब क्या करना है इसको प्रूव वगैरह करके, मतलब इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट तुमको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे प्रूव होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, बर्नौली इज नथिंग बट वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम फ्लूइड में लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यार क्या वो हर जगह एप्लीकेबल होती है? अगर हर जगह एप्लीकेबल होती है तो फ्लूइड में भी एप्लीकेबल है। तो जब फ्लूइड में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो ये इक्वेशन निकल के आ जाती है, ऐसा समझो। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्का? अरे ठीक है, चलो बर्नौली थ्योरम। ऐसा समझो ये अपना एक पाइप है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, हाइट h1 एंड हाइट h2, ठीक है, इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, अपना मस्त बना लेते बोलो, ठीक है। पानी की डेंसिटी है अपनी रो, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, बोलो बेटा, पाइप का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सही है। क्या हो गया, बोला क्या? अच्छा ठीक है, सो रो h2 h1 क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। लेट अस से यहां पे जब वॉटर फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है, और यहां पे जब वॉटर फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v2। बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? ठीक है, सही है अभी? कोई डाउट? मैंने क्या लिखा, ध्यान देखना मेरी बात, मैंने लिखा लेट अस अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम याद है किसी को? बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम,
स्टेटमेंट चाहिए मुझे, स्टेटमेंट घुसा मार देना मैंने उठा कुंड में फेंक देना। क्या बात कर रहे हो यार तुम्हें वर्क एनर्जी तो पेज पलटो पलटो खोलो वर्क वर्क एनर्जी देखो वर्क एनर्जी तो क्या लिखा है क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम है? मेरा सवाल इतना है, क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम है? ओ भैया नोट पढ़ा करो, कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ के, कुछ अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन याद करा सकता हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन याद करा सकता हूं डायरेक्ट कि बर्नौली ये होती है। अभी यही सवाल लेकर तुम्हें बोल दूं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, लगा पाओगे क्या? क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? ये वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? ये वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? फिर वर्क डन बाय All forces is equals to change in ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो ये क्या है ऊपर वाली? This is only and only valid for conservative forces. बात समझ आई? अरे ठीक है, क्या यहां पे कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स दोनों लग रही है, ग्रेविटी भी लग रही है, ठीक है। तो हमने लिखा, ध्यान से देखना हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोले ऐसा होगा। अरे ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स देखना ध्यान से क्या लिखता हूं मैं। सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। अरे ऐसा होगा। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे होता ही नहीं होता। तो देख सबसे पहले इधर क्या लिखा, प्रेशर एट लेट अस से इसको मैं बोलता हूं ए पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं बी। तो प्रेशर एट ए इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटे से टाइम डीटी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो वी वन डी टी होगा? अरे यस होगा। अरे पक्की? कोई डाउट? माइनस प्रेशर एट बी इंटू एरिया इंटू वी टू डी टी, वर्क डन इधर माइनस वर्क डन इधर इज इक्वल्स टू एनर्जी। देखना कैसे लिखता हूं मैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जब पानी इधर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? एमजीएच। अरे कितनी थी? एमजीएच। तो मास को मैंने लिखा डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम डीवी, इंटू छोटा सा वॉल्यूम डीवी, जो डीटी टाइम में वॉल्यूम था, छोटा सा डीटी टाइम का जो वॉल्यूम था, छोटा सा वॉल्यूम डीवी।
इंटू जी इंटू एच वन, बात समझ आई? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर, सो प्लस हाफ डेंसिटी इंटू डीवी एम इंटू वी वन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल सॉरी माइनस सॉरी एच टू है ना, एच टू एंड वी टू माइनस इनिशियल सेम कहानी डेंसिटी इंटू डीवी इंटू जी इंटू एच वन माइनस हाफ डेंसिटी इंटू डीवी इंटू, समझ आएगा? अच्छा ये छोटे से डीटी टाइम में जो वॉल्यूम है डीवी, ध्यान से देखिए, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डीटी ही तो है, एरिया इंटू दिस लेंथ विच इज वी इंटू डीटी। सो देख पूरी इक्वेशन से क्या करना, डीवी 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 ए वी डी टी डीवी ए वी डी टी, कुछ बात समझ आई? अरे ठीक है, सो इवेंचुअली क्वेश्चन क्या है, प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, ठीक है, so this means pressure plus rho gh plus half rho v square is equals to constant, ye hai Bernoulli ki na, flowing liquid jab kabhi pani flow karta hai, Bernoulli kya hai samjho dhyan se, jab kabhi pani flow karta hai kya flow karta hai, अगर पानी या लिक्विड कहीं पे भी फ्लो कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है रो जी एच है और हाफ रो वी स्क्वायर, इसका समेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इस पॉइंट पे पी ए प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, this will also be equal to, अगर कोई मैं इस पॉइंट पे बात कर लू PC plus rho g h3 plus half rho v3 square, ठीक है, तो Bernoulli theorem ये तो ठीक है, ऊपर की कहानी हो गई, पर जैसे हमको ये पता होना चाहिए पहली चीज, तो अगर कोई हमसे पूछे कि what is what do you mean by Bernoulli theorem, तो Bernoulli theorem is कि pressure plus rho g h plus half rho v square ये term flowing liquid में constant रहता है किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है। दूसरी चीज, इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, न्यूमेरिकल्स में ध्यान देकर अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बात करो, ध्यान सुनो भैया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बात करो, तो v1 v2 अगर अननोन है तो दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास a1 v1 equal to a2 v2, तो ये दो इक्वेशन से जनरली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जनरली बता, बात समझ आई? कभी कोई बैकग्राउंड में पूछ ले भाई Bernoulli आती कहां से, तो कुछ नई चीज नहीं है, इट इज जस्ट द वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाइड इन फ्लूइड्स, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है जो फ्लूइड्स में अप्लाई कर दी जाती है, ठीक है, इसी इक्वेशन की वजह से आपका प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाइट उतारो Bernoulli, मुझे लगता था ये है नाइन टेंथ में, एक तो तू लेट आया है ना, लेट क्यों आया क्लास में, तो पूरी शादी करके आता ना, आधी शादी करके क्यों आया है? साले बहन की जूता मारेगी, आधी शादी करके भाग गया, क्या बोल रही है, क्या बोला इसने, आपने आधी बोला ना, आधी समझ गए।
एकदम लड़कियों की तरह बातें करता है, सही बताओ एकदम लड़कियों की तरह तुम लोग की हरकतें हैं, और एक तो लड़कियों से मैं बहुत परेशान हूँ। लड़कियों को इतनी ज्यादा प्रिविलेजेस मिलती है अपने कंट्री में, क्या बोलते हो यार, है कि नहीं? स्कूल में 20% रिजर्वेशन, कॉलेज में 20% रिजर्वेशन, है ना, कहीं भी आप चले जाओ वुमेन की अलग लाइन है ना, और ये तुम्हारा रेलवे गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्वेशन, दुख केंद्र में यहां पर महिला दुख केंद्र, सारा एक भी पुरुष दुख केंद्र नहीं है। मैनेजर सो आपको बन गोरी तेरी आंखें रहे रात भर सोई नहीं। अबे लकी एडी का गाना है बहुत अच्छा, तुम्हारी जनरेशन की दिक्कत ये तुम लोग सारे बादशाह और हनी के ऊपर पड़ते ही नहीं। हो गया क्या? मैं सही बता रहा हूँ, जीवन का सत्य है रटा होना चाहिए, रटा है तो बरमोली
अपनी पाइप है एक, ठीक है, पाइप समझ में आ रही है ना, पाइप है इसके अंदर पानी बह रहा है और ये ना हॉरिजॉन्टल पाइप है, कैसी है, हॉरिजॉन्टल पाइप से मतलब ये हाइट कितनी है, लेट अस से एच, और ये हाइट कितनी है, एच, सेम हाइट है ये, अबे नहीं समझे, अबे ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये ऐसे है ऐसे, समझ में आ रही बात, ग्राउंड से सेम हाइट पे है ना, ये वर्टिकल ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे है पाइप, तो ग्राउंड से सेम हाइट पे, यहां पे भी वहां पे भी, बात समझ रहे, इट इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया सा, लेट अस से यहां पे एक पॉइंट है ए और यहां पे एक पॉइंट है बी, ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन ये रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट ए, कांट कमेंट, वेलोसिटी वी1 वेलोसिटी वी2, बोलो लगाओ, सॉल्व करना है, क्या लगता है अनीता, एक सेकेंड, अनीता, बसंती, चंपा, अबे क्या पागली हो, सेम प्रेशर, सेम प्रेशर तो फ्लो की क्यों कर रहा है,
ग्राउंड में अगर प्रेशर सेम होता है तो पानी बहने लगता है क्या? चमत्कार हो गया एकदम, कुछ भी दिमाग में लगाओगे क्या? सी प्रेशर, पानी बह रहा है, वाह अतरंगी हो तुम एकदम। जे छोड़ो सी टी हट के, सी प्रेशर पानी कहां से फ्लो करेगा? बी के लगा, लगा कैसे होता है? कांटा लगा, चमत्कार हो यार इधर समझो। ए वन टी वन इक्वल टू ए टू बी टू, वेलोसिटी कहां पे ज्यादा है? एरिया कम है, सीधी सी बात। अगर हाइट सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर? अरे यस और नो? अरे पक्का बोलो। तो अगर वी टू बड़ा है वी वन छोटा है तो पी ए बड़ा है और पी ए छोटा है। अरे भाई साहब आधे तो चमत्कार तुम लोग, आधे चमत्कार तो ये वाले हो, सी वाले। मतलब फिर भी मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा है, तुम में से कुछ तो डी भी बोल देते, को भरोसा नहीं है तुम्हारा। चमत्कार हो गया। अबे इतना दिमाग निकाल लिया करो, वाटर फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सुनो मेरी बात, इधर देखो ध्यान से देख। और तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं सवाल के रूप में करा भले ही रहा हूं बट ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका प्रूफ अगर अपने को आना चाहिए अच्छे से एकदम। देखो मेरी बात सुनो, आपने वो टंकी देखी है पानी की जो बड़ी बड़ी ऐसे टंकियां सीमेंट वाली बना देते हैं अपने अकेडमी के सामने भी उधर ऊपर बनी हुई है, वो एनआईएम में एक बनी बड़ी टंकी, टंकियां देखिए बड़ी बड़ी होती है, सीढ़ी लगी होती है, गोल 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 देखिए टंकियां ऐसा कोई वही टंकी है ठीक है, ऐसा समझो वही पानी की अपनी टंकी है, इसके अंदर डेंसिटी रो का पानी भरा हुआ है, बोलो बात समझ में। अरे पक्का, मैंने क्या किया, मैंने इसके बॉटम पे एक होल कर दिया और इस होल की जो एरिया है दैट इज स्मॉल ए, टंकी की एरिया है बड़ा ए और होल की एरिया है स्मॉल ए, तो क्या बड़े ए के कंपैरिजन में ये छोटे होल की एरिया बहुत छोटी है? अरे यस और नो? मतलब मैं बोल सकता हूं कि भैया ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, बोलो कोई तकलीफ? अरे पक्का, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं यहां पे तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं तो मैंने आपको ये फील करा दिया ठीक है, पर ऑनेस्टली कभी तुम्हें इस टाइप की चीजें दिख जाएं सवालों में दिखेंगी और अगर कहीं ना दिया हो ऐसा तो आपने ऐसा मान लेना कि भैया टंकी के नीचे जो छेद है वो टंकी के एरिया के कंपेरिजन में छोटे ठीक है, अनलेस द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज गिवेन, अगर इन दोनों की वैल्यू ही उसने दे दी और आपको दिख रहा है जो कंपेरेबल मतलब नेग्लेक्टेबल नहीं है तो बात अलग हो गई, वरना इन नॉर्मल सिनेरियो हम इसको बहुत छोटा मान के चलेंगे सवालों में भी। क्या मेरी बात क्लियर है? टंकी के जो सवाल आएंगे ठीक है, हुआ क्या अपने को ना एक्चुअली ये वेलोसिटी निकालनी है यहां से पानी किस रफ्तार से बाहर निकलेगा, सवाल ये क्वेश्चन समझ आया भाई? अपन ने टंकी दी बहुत बड़ी, पानी भरा हुआ था, नीचे अपन ने छेद कर दिया, अपने को निकालनी है वेलोसिटी, किससे इस वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है ठीक है। अब देख ध्यान से, मान लो यहां से पानी के कम होने की रफ्तार है वी नॉट, बोलो कोई डाउट? यहां से जो पानी कम हो रहा है
उसकी रफ्तार कितनी है? अब अपन इस पॉइंट में और इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे। ध्यान से देख, ए इंटू वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू वी वन, ठीक है? अरे सही है, बोलो कोई डाउट? क्या ए इस ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है? अरे है कि नहीं है? तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट वी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो? अरे ऐसा हो वो भैया, v नॉट इज a v1 by a। अगर ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो क्या मैं v नॉट को निगलेक्ट कर सकता हूं? अप्रोक्सीमेटली ये एक्चुअली इसीलिए लिया जाता है, ये लेने का पर्पस सिर्फ ये करना है। क्या मेरी बात समझ में? अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बर्नौली लगाओ, दूसरी थ्योरम। ध्यान से देखना, प्रेशर एट a, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? p नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन टू एटमॉस्फेयर, यस और नो? अरे ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना, तो प्रेशर कितना लग रहा है? प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितना है? P नॉट, ओपन टू एटमॉस्फेयर हो गया। अरे यस और नो? P नॉट प्लस रो जी एच, और इस पॉइंट की हाइट कितनी है? जीरो, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? क्योंकि V नॉट अप्रोक्सीमेटली जीरो है, क्या हम इसको बोल सकते हैं दिस विल बी गोज टू जीरो? क्या P नॉट ने P नॉट को मार दिया? क्या रो ने रो को मार दिया? अंडर रूट 2gh, दिस इज टर्म्ड एज, आपको किताबों में मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं इसको मैंने एक सवाल की तरह कराया है, पहले तो ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स रटी होनी चाहिए, अंडर रूट 2gh आती है। ठीक है, इसको मैंने सवाल की तरह कराया, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एचसी वर्मा और किताबों में, उसमें ये कंडीशन दी होगी। इसको देने का पर्पज है कि आप इस वेलोसिटी को निग्लेक्ट कर दो। ठीक है, अगर वाइजर नहीं दिए तो अपन ने नॉर्मल सिनेरियो में मान लेना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। क्या मेरी बात क्लियर है? हेडिंग डाल लेना वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और उतार लो। आज मैं तुम्हें जल्दी छोड़ूंगा, बेसिकली ये सेगमेंट खत्म करके, इसे बोलते हैं फ्लूइड्स पार्ट वन, ये खत्म करके मैं तुम्हें छोड़ूंगा। कल अपनी मेरी क्लास है ना, कल अपन शुरू करेंगे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, फ्लूइड्स पार्ट टू का सेगमेंट आ जाता है। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी मेरा एक्सपेक्टेशन है दो चार लेक्चर देगा, अगले हफ्ते खत्म कर देंगे, उसके बाद हम सीधे स्टार्ट कर देंगे क्या? हीट कैलोरीमेट्री। ठीक है, दिसंबर लास्ट वीक में छुट्टी का मैसेज आया, कोशिश रहेगी, ऑल्दो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट कोशिश रहेगी कि अपनी दिसंबर में हीट
पार्ट वन और पार्ट टू दोनों खत्म होते हैं। पार्ट वन थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा के चलेंगे, कैलोरीमेट्री वाला पार्ट है, पार्ट टू तुम्हारे लिए नया है। सो दैट वंस वी कम बैक जनवरी में सिर्फ ऑसिलेशंस और वेव्स बचेगा। सबसे पहले मेरा अगर कैलोरीमेट्री अभी खत्म हो गई, पिछले साल मैंने दिसंबर में कैलोरीमेट्री खत्म कर दी थी, तो मेरा पोर्शन खत्म हो गया था फर्स्ट वीक ऑफ फेब में। तुम्हारा मोस्टली मिड फेब तक हो जाना चाहिए, बट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे हीट 3 हफ्ते में खत्म करना। सो शायद मतलब वही 20 फरवरी के आसपास, अगर तुमने थोड़ी सी डिसिप्लिन और तमीज दिखाई और तुम घर से एच सी वर्मा करते रहे तो। मुझे अपने लेक्चर देने पड़े क्लास के, तो मतलब ऑब्वियसली जितने लेक्चर मैंने तुम्हें क्लास में सवाल कराए ना, उतने लेक्चर अगर मैं पढ़ाता अभी तक पता नहीं कहाँ होते हैं। फिजिक्स में ना सवाल मतलब बहुत है, मतलब सवालों की कमी नहीं है। आपका दिमाग चलना चाहिए कि सवाल बनते कैसे हैं और क्या हम उन सवालों में कॉन्सेप्ट ढूंढ पा रहे हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें इस पे देख वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स बच्चों में नहीं पढ़ा दिया तो कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती है। इस वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स पे बेहतरीन सवालों का कॉम्बिनेशन बनता है और मैं तुम्हें एक नहीं कराऊंगा। इस पे दिमाग चलना चाहिए कैसे कर, मैं तुम्हें बता दूं। देख कॉम्पिटिशन में सवाल आ रहे हैं इस पे किस टाइप से आए, ध्यान से सुनना और मुझे बताना उसमें टफ क्या है। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, अपना एच हाइट तक भरा, बोलो कोई डाउट? अपना एक कंटेनर है कहां तक भरा है? इससे वाई हाइट ऊपर अपन ने एक होल कर दिया। वाई हाइट ऊपर एक, क्या यहां से पानी बाहर निकलेगा? वेलोसिटी को डायरेक्ट बोलो, किस वेलोसिटी से पानी निकलेगा? रूट टू जी एच वाई। अरे ऐसा क्या इस वेलोसिटी से पानी निकलेगा? ध्यान से देख, ये सेगमेंट कौन से चैप्टर का है? फ्लुइड्स का। पर आपसे सवाल ये नहीं पूछा गया, आपसे पता है क्या पूछा गया? बताओ ये पानी कितनी दूर गिरेगा? रेंज। कौन सा चैप्टर? क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पे? क्या इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है? क्या ये हाइट हमें गिवन है? रेंज निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात? सवाल इस टाइप से बनते। आपको कभी भी एक चैप्टर से सवाल नहीं मिलेगा। आप सोचो सर ने वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स पढ़ाया, आपने फॉर्मूला रख लिया, तो भाई सब सवाल मिलते हैं सीईटी में, सीईटी दे दो। अपने को सवाल देखने हैं कि कौन कौन से चैप्टर से घुसाए गए। अभी तुम नेक्स्ट ईयर डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे। याद है मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें जब कैलकुलस पढ़ाई थी तो मैंने तुम्हें बोला था कि किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो तो मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाता है। तुम नेक्स्ट ईयर जब कैलकुलस पढ़ लोगे तो इसी सवाल में ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी दिस हाइट, मतलब मैं किस हाइट पे होल करूं सो दैट ये रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो आप क्या करोगे, ये रेंज निकालोगे, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करोगे, इवेंचुअली ये वाई एच वाई टू आएगा। मुझे तो आंसर भी सवाल इस टाइप से बने। क्या मेरी बात कुछ समझ आ रही? अरे पक्की बात बता दो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लिख लो और इसके आगे लिख लेना कि कैन बी क्लब्ड इन विद प्रोजेक्टाइल।
डन। हो गया बता दो हेडिंग डालो वेंचुरी मीटर। सुना है कभी पहले? हेडिंग डालो स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग का वेट कर रहा है क्या? वेंचुरी मीटर कौन सा मीटर? वेंचुरी मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। जनरली अपने ये इंडस्ट्रीज होती है ना जिनमें पाइपलाइंस होती हैं जिसके अंदर बहुत ही हाई प्रेशर फ्लूइड फ्लो करता है वहां यूज में आती है। एक्चुअली एक ऐसी डिवाइस है जो मान लो मैंने अपने एक फैक्ट्री मस्त इंडस्ट्री खोली उसके अंदर मैंने हाई प्रेशर एक पाइपलाइंस बैठाई। जैसे मोटी मोटी तुमने देखी होगी इंडस्ट्रीज में वाटर पाइपलाइंस होती है उनके अंदर गैस और पानी और पता नहीं क्या क्या फ्लो करता रहता है। मान लो मुझे ना टाइम टू टाइम प्रेशर चेक करना है पाइपलाइन में, वेंचुरी मीटर ये काम करता है। कैसे काम करता है देखो, वेंचुरी मीटर बहुत सिंपल एकदम अपना मस्त डिवाइस होती है। ये कुछ ऐसे बनाई जाती है डिवाइस, जैसे आप ऐसा समझो कि ये क्या है अपनी पाइप, ठीक है। मैंने अतरंगी सी इसलिए बनाई है ताकि अपने को समझ में आ जाए कि भैया पाइप की डायमेंशन जो है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं है, यहां पे थिक है बीच में थिन है। बोल बात समझ में आई? एडिशनली बेटा दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप, समझ में आ रहा है कैसी है ये पाइप ऐसे गई है। फिर ना इसमें क्या करते हैं, मान लो इसमें ना पानी फ्लो कर रहा है अपना, यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी है v1, लेट अस से पॉइंट ए, और यहां पे लेट अस से पॉइंट बी फ्लूइड की वेलोसिटी है v2, ठीक है। करते क्या है, इस हॉरिजॉन्टल पाइप के ऊपर एक पतली सी पाइप निकालते हैं ओपन टू एटमॉस्फियर, चंगा ठीक है। जैसे जैसे पानी फ्लो करता है ये पानी इसमें एक सर्टेन लेवल तक भर जाता है, ठीक है। लेट अस से हाइट H2 तक इसमें भर गया और हाइट H1 तक इसमें भर गया, ये सेटअप होता है। अब होता क्या मैं आपको बताता हूं, वो सुपरवाइजर जो नहीं होते हैं अपने फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं वो बराबर टाइमली अपने राउंड्स के लिए जाते हैं और इन दोनों की हाइट अच्छा गेज में ये ना परफोरेटेड स्केल होता है यहाँ पे तो वो अपना मस्त उसमें रीडिंग ले लेते हैं। अच्छा ये इस हाइट तक भरा हुआ है, ये इस हाइट तक भरा हुआ, ऐसे लिख लेते हैं कॉपी में कि मतलब ये H2 and H1, this readings are taken timely। अपना मान लो भाई सेट कर दिया कि 6 घंटे में भाई रीडिंग ले आओ और 12 घंटे में रीडिंग ले आओ, वैसे इसकी रीडिंग अपनी ले ली जाती है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है समझ, सबसे पहले हमने लगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। क्या इस इक्वेशन में, मैं सिर्फ टिक कर रहा हूं ध्यान से देखते चलना, क्या इस इक्वेशन में ए वन और ए टू मेरे को नोन है? क्यों, इंडस्ट्री मेरी है, पाइपलाइन मैंने लगाई है मार्केट से खरीद के, तो मुझे पता है ना भाई इसकी एरिया कितनी है, इसकी एरिया कितनी है। बोलिए सर ब्रो, क्या इस इक्वेशन में ए वन ए टू मेरे को पता है? कहां हो गया? अब अपन लगाएंगे बर्नौली, ध्यान से देख, प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच
अब रो जी एच में इसलिए नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, जिस हाइट पे ये फ्लूइड है क्या उसी हाइट पे ये भी फ्लूइड है? अरे यस और नो? सो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। दूसरी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो हमने बोला प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? अब ध्यान दे, इसमें मुझे पता क्या है, एक तो मुझे ये रो पता है, क्यों, फ्लूइड भाई मैग्नेट तो छोड़ा है तो अपने को डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पता है, बात समझ में आई। और ना ये प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, ध्यान से देख प्रेशर एट ए क्या है, p नॉट प्लस रो जी एच वन, यस और नो? सिमिलरली प्रेशर एट बी पी नॉट प्लस रो जी एच टू। अब इस पूरी इक्वेशन में देख, क्या पी नॉट कट गया, रो अपने को पता है, जी अपने को पता है, एंड एच वन एच टू तो मैं ऑब्जर्व करके आया हूं, तो इन दोनों इक्वेशन में से सिर्फ वी वन वी टू अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन है, पानी की वेलोसिटी पता चल जाती है। बात समझ में किताबों पता है v1 v2 निकाल के भी फॉर्मूला देते हैं, अब करना क्या है, v1 v2 निकालने के लिए यहां से v1 निकालूंगा v2 के टर्म्स में उठाने आ रहा हूं, एक खतरनाक से लंबा चौड़ा फॉर्मूला आएगा, अपने को रटने की जरूरत, ये है कांस्टेंट। बात समझ आई? वेंचुरी मीटर कैसे काम करता समझ आया? उठा हो गया क्या? तो बर्नौली डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे ये वो गाड़ी की टंकी से कोई पेट्रोल निकाला है, वो पतली सी पाइप डाल के, एक कंटेनर लो, उसको हाइट डिफरेंस कर दो, मतलब उसको एक ऊपर वाली हाइट पे रखो और उसके अंदर से पाइप ले लो एक नीचे वाली हाइट पे, तो पाइप से ऑटोमेटिकली पानी फ्लो करने लग जाएगा। देखा वो पेट्रोल टंकी केरोसिन वर्सिन निकालते हैं अपन, शक्कर के उसको नीचे रख देते हैं, ऑटोमेटिकली पानी निकलने लग जाता है, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है बर्नौली। ये हो गया, उसे बोलते हैं बेसिकली साइफन ट्यूब, अगर तुमने कभी नहीं सुना है तो देख लो इस पर बर्नौली कैसे लगती है। ध्यान से, जैसे मान लिया अपने पास एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने एक पाइप डाल दी, और इस पाइप को हाइट डिफरेंस देते हैं, लेट अस से हाइट h, बात समझ आई?
अरे ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बर्नौली लगा, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो जीरो स्क्वायर। हम ऐसा मानते हैं यहां से पानी जो निकल रहा है उसकी रफ्तार बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली जीरो, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी अगेन ओपन टू एटमॉस्फेयर पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा जीरो प्लस यहां से पानी निकल रहा है वेलोसिटी बी से हाफ रो वी स्क्वायर, पी नॉट कट गया, ये चला गया, रो रो कट गया, इस वेलोसिटी से आपका जो भी फ्लूइड है वो बाहर आने लग जाता है। अगर तुमने पहले कभी नहीं किया, बहुत बहुत जगह इसको डेली घरों में भी यूज करते हैं, किसी कंटेनर से अपने को कुछ निकालना होता है तो पाइप डाल देते हैं, हाइट क्रिएट करते हैं, अगर आप सेम हाइट पर रखोगे कभी नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि रो जी एच जीरो हो जाएगा, इसलिए ये हाइट क्रिएट करते हैं, अपने आप पानी निकलता रहता है अंदर से, एक बार सक कर लो, सक क्यों कर लो, ताकि ये वैक्यूम क्रिएट हो जाए और उसमें पानी भर जाए, बात समझे, साइफन ट्यूब ठीक है। डे टू डे लाइफ में बर्नौली बहुत यूज होता है,